टपकी क्यों? चोट पड़ी तो टपकी। हाँ हाँ, इसका मतलब, इसका मतलब समझा। बाबू जी एक ही चीज पे गिरता है। किस पे गिरता है? उसी को हम कहा करे, तुम आगे क्यों बढ़ जाए? हमने कई आंखें कोई बात है यार, फूट गई तो मैं कहा कानों में होगा। अरे कानों में ये आग पर कैसे गिरता है? आग पर कैसे गिरता है? पहली सखी जाने उठ बोली ऊपर बार बरूले। इसका मतलब ये आंख है, भौं के बार बरूले हैं। हां है। दूसरी सखी जाने उठ बोली जाकी दोनों खांप बराबर। इसका मतलब ये दोनों खांप बराबर है, कोई घटबड़ तो नहीं? पलक बता रहा है। ठीक। तीसरी सखी जाने उठ बोली बीच को मनुआ कारो। इसका मतलब का? इसका मतलब है आप चारों तरफ सफेद है। हाँ है। इसमें बीच में एक काली सी पुतलिया है। हाँ है। हाँ, इसी को मैं मनुआ बोलते हूँ। मनुआ बोलते हो उसे? अच्छा। चौथी सखी जाने उठ बोली चोट परी तो टपकी। साले खास बात नहीं बता रहा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। चोट परी तो टपकी। साले रचे आए। देखिए आंख एक बहुत नाजुक चीज है। हाँ है दोस्तों, आंख एक बहुत नाजुक चीज है, शरीर पूरे हिस्से में चार लाठी मार दो टप्पू खाई जाए। हाँ, लेकिन आंख एक बहुत नाजुक चीज है। हाँ नाजुक है। इसमें मिट्टी गिर जाए, तिनका गिर जाए, या भैंसा टकरा जाए। साले भैंसा कैसे टकराएगा? भैंसा खूब टकराता। कैसे टकराता भैंसा? एक भाई साहब आ रहे थे मोटरसाइकिल से, इनकी गाड़ी चल रही थी 80 की स्पीड पर। 80 की स्पीड पर गाड़ी आ रही थी, बता गाड़ी कर रही थी डिन 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 डिन। गाड़ी 80 की स्पीड चल रही थी जब इनकी आंख से भैंसा टकराया। आंख से जब भैंसा टकराया गाड़ी एकदम मौसम तोड़ने लगी। अच्छा, मौसम गाड़ी तोड़ रही थी, कह रही थी डिन 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 डिन। रोक करके खड़े हो गए। आंखों में लगे रगड़ने लगे। रगड़ते रगड़ते आंख में पानी आया। पानी आ गया। आया। हाँ, टपकने लगी। टप टप टप। टपकने लगी। हाँ टपकती है, टपकने लगी। और तभी अकड़ के अमोच बोले पहुंच लगी तमोच। भैंसा भैंसा कैसे टकराएगा? देखिए इतना बड़ा पहलवान गाड़ी पे बैठे हैं और गाड़ी कम से कम एक कुंटल की तो होती है। एक कुंटल की गाड़ी 50 किलो का पहलवान 1.5 कुंटल को एकदम भैंसा ने गिरा लिया। साले वही बात भैंसा बता रहा है। मैं बोलते मच्छर के लिए तो ये गिरना कर रहा है। साले मच्छर टकरा गया। मच्छर इतना सा बड़ा, इतना सा छोटा। हाँ मच्छर तो छोटा होता है। छोटा होता है, मैं उसी को भैंसा बोलते हैं। अच्छा उसे भैंसा बोलते हो, चलो ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है चलते हैं। रेडी 3 1 2। और जा पूछ रहे हो क्या बात हुई है तो ना मालूम। एक बात बताओ, जैसे हमसे आप टकराते हो और हम तुझे मारते साले पीछे हाथ चलाता। अबे ओए लुल्लू के पट्टे गधे की झूठ पक।
तेरा मानूंगा, तेरी औलाद तक नहीं पैदा होगी। यही पसंद आए तो, यही पसंद आए। अरे एक बात बताओ, हाँ जी, ये रास्ता पे टहल रहा है, ये रोड बना रखा है सरकार ने, जब टहल रहा है गवर्नमेंट इतनी बड़ी चुतिया है, क्यों है? कोई शरीफ खानदान का लौंडा अपने घर से निकलता है टहलने के लिए, तुम साले टकरा के चलते हो, तुम्हारी आंखें हैं भैंस के चूतर। मुंशी जी पहचान नहीं करी आपने? पहचान तो नहीं की, पहचान भी कर लेना चाहिए, कहीं देख लेना चाहिए, आपस में तो झगड़ा नहीं हो रहा हो। हाँ, पहचान करो, किससे बतला रहे, किससे टकरा रहे हैं? भौजी आप, भौजी नहीं बाबूजी बोला करो, मुंशी जी आप निकले। पहचान हो गई मुंशी जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है। क्यों बुलवाया सरकार? मैंने इसलिए बुलवाया है, यहाँ पर प्यारी प्यारी जनता लगी, ये खुशी का दरबार है, भूत लोग बता रहे हैं, भूत लोग कोई ना समय इंसान बैठे, भूत नहीं बता रहे हैं, आम जनता प्रजा को नहीं जानता है, साहेबान लोग है, ये अपनी अपनी नींद खोकर आए हैं। क्यों आए फिर आप? क्यों आए? अरे नींद खो करके किस लिए आए हैं? ये हमारा तुम्हारा मनोरंजन देखने के लिए आए हैं, प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। इनके लिए कोई मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन जी, जनरेटर को बंद कर दो, फिर लाइट को ऑफ कर दो, फिर साउंड को ऑन कर दो, फिर दो घंटा घुसाबाजी। अच्छा, तुम्हें ये आनंद क्या है? आपस में घुसाबाजी करते होंगे, हम इनकी बेटी क्या साले गट्टी काट रहे हो? गट्टी काट नहीं है, जेब कतरे हैं, जेब कतरे, जेब कतरे, गट्टी काट बात तो एक ही होती, बड़ी मार होती है। मार होती है? हाँ, तो दाम खूब पैदा होता है। नहीं, दाम तो पैदा होता है, मगर मार को दुखी नहीं रहते हैं, दाम को दुखी नहीं रहता है। ये नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है तुम्हारे पास में कोई नाचने गाने वाली है? नाच खाने वाली दुनिया से नापैद कर दी सरकार। नाच खाने वाली नहीं बता रहा हूँ, आप ही तो कह रहे हैं। मैं रंडिया बता रहा हूँ, रंडिया आम की, जामन की, कीकर की, पातल की, बोलो किसकी मांगो गड़ा गड़ा। ठहर जा, ठहर ठहर जा, क्या चीज? डंडिया, डंडिया बता रहे हैं, मैं पथरिया बता रहा हूँ। क्यों कुर्ता उठाओ? क्यों? एक लिकारू तो क्या चीज, या एक घूसा में पूरा पिंजरा साफ, क्या चीज? पसुनिया बता रहे हैं, ऐसे नहीं समझोगे आप। ऐसा करो, एक हाथ सर पर लगाओ। सर? हाँ, सर कहाँ है? कहाँ है? ये सर है? नो सर, नो सर, वो सर, यस सर, ये सर नहीं है। क्या है? इसको कहते हैं खोपड़ा। खोपड़ा पर रख लो। चलो रख लिया। एक हाथ कमर पर लगाओ। कमर कहाँ है? ये बीच में क्या है? कहाँ पे? जा, कमर है क्या है? अरे नहीं, चूतिया की भतीजी बहू जा सका औकत गड्ढा की पुलिया। अबे पागल, इसी पे लगा लो। चलो लगा लिया। अबे सवारी कर के लाओ, तैयार हो जाओ, चलो। हर चला मेरे मायके, हर मजूरी करवाए लो, चलो मेरे मायके मजूरी करवाए लो, चलो मेरे मायके मजूरी करवाए लो, चलो मेरे मायके भने दी तू तमाम साले दिमाग की रेट चाट गया। अबे पागल, हम चाट गए, आप चाट रहे हो? अरे यार पहले ही बता देते, मुझे लाल बीबी झुकझुक। हाँ, मुझे यही चाहिए, लाल बीबी झुकझुक बहुत है मेरे पास। कहाँ है? झांसी त्रासी रेगिस्तान बम्बो। बम्बो नहीं, बम्बई है वो, दे रही है वो, नजर रही है बारो खारो। जो किन्ने दे दो डंडा जाए, सुनो दो डंडा, एक और लाए ठालो, एक को दे दो इतने और एक लाए ठालो।
अरे तेरी ये बदमाशी है। ये बताओ ये कैसे आएंगी? कैसे आएंगी? डलवाए लगवा। क्या लगवाए? क्या डलवाए? डलवाई या तार लगवाई? जल्दी किस होगी? तार के द्वारा। तार के द्वारा। आप ऐसा करो, स्टेशन पर चले जाओ। स्टेशन पर कौन मिलेंगे? मिलेगी नहीं, मिलेंगे। मिलेंगे वहाँ बाबूजी बैठे होंगे, उनसे पहले तो सलाम करोगे, उसके बाद में कहना मुझे तार चाहिए। ठीक है, आप यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, हम यहीं बैठे, आप जाइए। हेलो, अरे भाई स्टेशन मास्टर साहब है क्या? है। ओहो, बड़ो लंबो प्लेटफॉर्म है, कस सवारी जाए इंतजार में, गाड़ी आ जाए हम घुस जाएंगे। ऐसा कैसे घुस जाओगे भैया? अपनों अपनों कटाए के अपने अपने हाथ में दे दियो। अबे क्या चीज, अबे टिकट यार, अबे साले पागल, टिकट का नाम पहले आए। टिकट? हाँ, हमें मालूम है भीड़ भाड़ ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, ये बच्चे भी घुस जाएंगे, हमारे भाई नौजवान भी घुस जाएंगे भीड़ भाड़ में, मेरे चाचा ताऊ बड़े बूढ़े, तुम्हें ना घुस मिले। हाँ, मेरे चाचा ताऊ तुम्हें ना घुस मिले ना, भीड़ भाड़ ज्यादा है इसलिए, तो डंडा पकड़ के तुम लटक देगी, चले सब गाड़ी आ जाए सब जरा घुस। अरे भाई स्टेशन मास्टर साहब, कहिए। राम राम। राम राम। जय राम जी की। जय राम जी की। आ गए, खुश रहो। बंदगी? साले सबका एक ही मतलब होता है, पागल बत्तमीज, किसने छोड़ दिया कोबक्त? राम राम हो, दो जने हो, राम राम हर जगह हो जाती है। हर जगह हो जाती है? हाँ, दो जने हो, दो जने हो, राम राम हर जगह हो जाएगी। बिल्कुल, राम राम में कोई बुराई ना। राम राम में क्या बुराई है, करो मिले हो। हाँ बिल्कुल, दो जने, दो जने हो। हाँ बिल्कुल, कहूँ कर ले क्या? राम राम। अरे यार, राम राम का नाम पहले आए ना। हाँ, राम राम में क्या बुराई, राम राम में क्या बुराई है? हाँ अच्छा, भुसौरी में कर ले। अरे पागल, भुसौरी में कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? भुसौरी का तब तुम मिलिए। हाँ, हम पहुँचे भैया, राम राम। हाँ तो हो जाएगी। तो राम राम में क्या बुराई है? ना तो दो जने हो गए ना। हाँ बिल्कुल, दो जने हो। हाँ दो जने हो। हाँ बिल्कुल, ईख में कल। अबे पागल, ईख में कैसे हो जाएगी? क्यों, गन्ना छोड़ तब मिलिए, हम पहुँचे भैया, राम राम। हाँ तो हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, राम राम में कोई बुराई। तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है बाबूजी, मुझे तार चाहिए। तार चाहिए? सोने का, चांदी का, गिलेट का, सिलेट का, एलुमिनियम का, काय का चाहिए? सारे जान से मर जा रहे, ठंड में सकता हूँ। आइया तू बोलो, गाड़ी दे दो। क्या हुआ? आले निकल ले, चलो बेटा। अरे एक एक करके, अगर पूरा गांव ना बोले तो किल्लू काफी ना। बात तो फिर मालूम है, पूरा गांव ना बोले किल्लू तो है काफी। गुस्सा में ज्यादा हो गया, जैसे गांव ना बोलोगे तो किल्लू का करो। अरे हम जाओ, बात सही है। अरे क्या हुआ? अरे हमने कही बाबूजी तार चाहिए, तो कह रहे सिल्वर को मिलती को एक रापटो दो स्टेशन का। अरे वहाँ झगड़ा कर दिया, ऐसा करो वहाँ जाओगे तुम्हारी पिटाई होगी, इसलिए झगड़ा मत करो। तूने बहुत कदेल कर लिया बुड्ढा के लिए, अपने तार से काम लो। हेलो बाबूजी, बच्चे वाली आ रही है। बच्चे वाली क्या होगी? चाय ना पी होगी? चाय बना पी, चाय नहीं पी होगी? साले सो और दूध की चाय पियेंगे। और दूध की? हाँ, कोई नाकबारो मुछारो हमारे सामने आवे जान ना पियो। अरे वो तो गौ माता है यार। अरे वाह, गौ माता है, गौ माता है। अरे चूतिया तो ना मालूम, देख गौ माता और बहु माता। अच्छा, गौ माता और बहु माता। गौ को दूध और बहु को मूत, सारे चिन्ना में दो तो पी के तुझे किया। अरे नहीं तो
अबे सारे मैं कह रहा हूँ वो काम कीजिए, कौन सा अपना अपना आप मोबाइल निकाल लीजिए और फोन कर दीजिए। अच्छा मोबाइल, हेलो, हाँ नंबर पहला रेडी तो लीजिए आगे हैं। जी हाँ, हमारे कंपनी के प्रोप्राइटर मालिक साहब ढोला सम्राट, जी हाँ सतवीर कश्यप, ग्राम पुलैतनंगला थाना हजरतपुर। जी हाँ, आप लोगों के समाज ये घड़ा लेकर के आए हैं, इनकी घड़े पर गजल होगी।